लक्ष्मी चिड़िया उस जंगल में नहीं आई थी। वो अंडे देने वाली थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कोई संरक्षित जगह कैसे ढूंढे। वो बहुत चिंतित थी। ऐसे ही उसे कालू कौवा दिखाई देता है। वो उसके पास जाती है। कौवे भैया, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस जंगल में सबसे सुरक्षित जगह कौन सी है? वो मेरे अंडे होने वाले हैं। चिड़िया बहन, इस जंगल में एक जालम चील रहती है। वो तो पक्षियों के अंडों की तलाश में रहती है। तुम ऐसा करो कि इस जंगल के बाहर एक मकई का खेत है, वो है भी बिल्कुल तैयार। तुम उसके अंदर अपना घोंसला बना लो, वहाँ पर चील की नजर नहीं पड़ेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बता दिया उस चील के बारे में। मेरे तो पहले अंडे हैं और मैं तो अपने अंडों के लिए बहुत चिंतित हूँ। धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, ये तो मेरा कर्तव्य था। और फिर लक्ष्मी चिड़िया उस मकई के खेत की तरफ चली जाती है। वो मकई का खेत बहुत घना था। लक्ष्मी चिड़िया सारा दिन काम करती है और अपना घोंसला बना लेती है। शुक्र है मेरा घोंसला बन गया है, अब मेरे अंडे यहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। और फिर अगले दिन लक्ष्मी चिड़िया अंडे दे देती है। वो बहुत खुश थी। उस मकई के खेत में घोंसला बनाने का एक फायदा उसे ये भी था कि उसे दाने की तलाश में दूर नहीं जाना पड़ता था। वो वही खेत से दाना खा लेती और अपने घोंसले में अपने अंडों के ऊपर बैठ जाती। लक्ष्मी चिड़िया हर दिन गिनकर गुजार रही थी कि अंडों से बच्चे कब बाहर आएंगे। और फिर आखिर वो दिन आ ही गया जब एक अंडा हिलना शुरू कर देता है और फिर उसमें से एक बच्चा बाहर आ जाता है और फिर दूसरा अंडा भी हिलता है, उसमें से भी एक बच्चा बाहर आता है। लक्ष्मी चिड़िया अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। वो अपने बच्चों को दाना खिलाती है और उनका बहुत प्यार करती है। ऐसे ही रात हो जाती है और वो सब सो जाते हैं। और फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। और फिर एक दिन लक्ष्मी चिड़िया को पास ही में से इंसानों की बातें करने की आवाजें आती हैं। कल हम फसल काटना शुरू कर देंगे, दरंती लोहार को तेज करने के लिए दी हुई है, उसके पास से दरंती लेकर आना। और फिर वो इंसान ऐसे बातें करके वहाँ से चले जाते हैं। लक्ष्मी चिड़िया ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि अभी उसके बच्चों ने उड़ना शुरू नहीं किया था। अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। मैं इन्हें लेकर कहाँ जाऊंगी? अगर उन इंसानों ने फसल काट ली तो उस चील की नज़र मेरे बच्चों पर पड़ सकती है, कहीं वो मेरे बच्चों को खा ना जाए। लक्ष्मी चिड़िया बहुत परेशान थी। वो इसी परेशानी में कालू कौवे की तरफ जाती है। आओ आओ चिड़िया, कैसी हो और तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? हाँ कौवे भैया, मैं ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन अब एक मुश्किल आ गई है। वो क्या? और फिर लक्ष्मी चिड़िया कौवे को सारी बात बताती है। चिड़िया, ये तो परेशानी वाली बात है। तुम्हारे बच्चे वहाँ सुरक्षित हैं। अगर तुम उन्हें कहीं और लेकर गई तो वो चील तो उन्हें खा जाएगी। वैसे मेरे जहन में एक बात आ रही है, हम क्यों ना उन इंसानों के पास जाएं जिनकी ये फसल है और उनकी मिनती करते हैं कि वो कुछ रोज अपनी फसल ना काटे। कौवे भैया, क्या वो हमारी बात मान जाएंगे? चिड़िया, कुछ इंसान तो बड़े स्वार्थी होते हैं और कुछ इंसान अच्छे भी होते हैं। हम जाकर बात करके देखते हैं, शायद वो इंसान अच्छे ही हो और वो मान जाए। और फिर चिड़िया और कौवा उन इंसानों से बात करने चले जाते हैं। कौवे भैया, यही है वो इंसान जो फसल काटने की बातें कर रहे थे। अच्छा, तुम इधर ही बैठो, मैं जरा सावधानी से बात करता हूँ इनसे। ए इंसान, मुझे तुम बहुत अच्छे इंसान लग रहे हो, क्या तुम मेरी एक बात मान सकते हो? कहो क्या बात है? तुम कुछ रोज अपने मक्के की फसल ना काटो, वो असल में मेरी दोस्त चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे हैं जो आपके खेत में ही हैं। वो अभी बहुत छोटे हैं, वो ठीक से उड़ भी नहीं सकते। उन्हें ठीक से उड़ने में 2-3 दिन लग जाएंगे। जब तक वो उड़ नहीं पाते आप तब तक फसल ना काटें। काले कौवे, तू कहीं पागल तो नहीं हो गया? एक आम सी चिड़िया के बच्चों के लिए हम अपनी कीमती फसल बर्बाद कर लें, बारिशों का क्या पता शुरू हो जाए। अगर बारिशें शुरू हो गई तो हमारी तो तैयार फसल बर्बाद हो जाएगी। चलो भाग जाओ यहाँ से, वरना एक लगाऊंगा। और कौवा वहाँ से आ जाता है। क्या हुआ कौवे भैया, क्या वो इंसान मान गया? नहीं चिड़िया, वो इंसान नहीं माना, वो बहुत लालची था, उसे कोई परवाह नहीं है हम पक्षियों की। अब हम क्या करेंगे कौवे भैया, वो इंसान बातें कर रहे थे
कि दरंती लोहार को तेज करने के लिए दी हुई है। हम क्यों ना लोहार के पास जाएं और उसकी मिन्नत करके आएं कि वो कुछ दिन किसान को उसकी दरंती तेज करके ना दे, और अगर उस किसान को उसकी दरंती ना मिली तो वो अपनी फसल भी नहीं काट पाएगा। चिड़िया, वैसे बात तुमने ठीक की है, हम अभी जाते हैं लोहार की तरफ। और फिर वो दोनों लोहार की तरफ चले जाते हैं। लोहार जी, आप मुझे बहुत अच्छे इंसान लग रहे हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या बात है चिड़िया, जल्दी बताओ। मैं ये दरंती तेज कर रहा हूँ, किसान आता ही होगा अपनी दरंती लेने के लिए। लोहार भैया, आप प्लीज कुछ दिन ये दरंती तेज ना करें। उस किसान के खेत में मेरा घोंसला है और घोंसले में मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर किसान ने अपनी फसल काट ली तो मेरे बच्चों को चील खा जाएगी। चिड़िया, अपने बच्चों की तो तुम्हें फिक्र है, अगर मैंने किसान को दरंती ना तेज करके दी तो किसान मुझे पैसे नहीं देगा और मैं अपने बच्चों को भोजन कैसे खिलाऊंगा। और लोहार भी उनकी बात मानने से इनकार कर देता है और वो वहाँ से भी नाराज होकर आ जाते हैं और वो दोनों एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कव्वे भैया, उस लोहार पर तो हमारी आखिरी उम्मीद थी, अब हम क्या करेंगे? चिड़िया, मेरे जहन में एक बात आ रही है। वो क्या कव्वे भैया? बस हम यहीं बैठे रहते हैं और आगे तुम देखना मैं क्या करता हूँ। और फिर लक्ष्मी चिड़िया और कालू कव्वा वहाँ ही बैठे रहते हैं। फिर कुछ देर बाद वो किसान भी अपनी दरंती लेने आ जाता है। वो जैसे ही अपनी दरंती लेकर वहाँ से गुजरने लगता है, कालू कव्वा जल्दी से जाकर किसान से दरंती छीनकर उड़ जाता है। फिर क्या था, कव्वा आगे आगे और किसान उसके पीछे पीछे। कालू कव्वा वो दरंती लेकर सीधा सागर की तरफ ले जाता है और जाकर उस दरंती को सागर के पानी में गिरा देता है। मतलबी इंसान, अब काटो जाकर फसल। और किसान कव्वे की चलाकी पर हैरान रह जाता है। अब तो नई दरंती बनने में 2-4 रोज लग ही जाने थे। कालू कव्वा वापस आ जाता है और वापस आकर लक्ष्मी चिड़िया से ऐसे कहता है, चिड़िया अगर घी सीधी उंगलियों से ना निकले तो उंगलियां टेढ़ी करना पड़ती हैं। और वो दोनों हंसने लगते हैं। और फिर ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं और अब लक्ष्मी चिड़िया के बच्चों ने उड़ना शुरू कर दिया था।